दोस्तों आज की डेट में भारत की तरक्की को देखकर सारी दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि एक बार फिर से दुनिया भर की सभी स्पेस कंपनियां भारत से उम्मीद लगाए बैठी हैं। फिर चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर स्पेस का, हर क्षेत्र में भारत ने वो कामयाबी हासिल की है जिसने दुश्मनों के होश उड़ाए हैं। और इस बार इसरो ने वो कारनामा कर दिया जिसे देखकर एलोन मस्क से लेकर नासा तक के भी होश उड़ गए, क्योंकि इसरो ने इस बार वो कारनामा किया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और इस बार इसरो ने स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस के साथ एक बड़ी डील की है, और इस डील के जरिए इसरो ने भारत में पहली रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। गोइच अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसरो के साथ काम करके रॉकेट इंजन बनाएगी, और भारत की यह पहली ऐसी रॉकेट इंजन फैक्ट्री होगी जिसमें 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजनों का निर्माण किया जाएगा। इस फैक्ट्री को रॉकेट फैक्ट्री बन का नाम दिया गया है, और भारत की इस पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन चेन्नई में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन के चेयरमैन पवन गोयका की उपस्थिति में किया गया है। और ये भारत की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री IIT मद्रास रिसर्च पार्क में 10,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, और इस फैक्ट्री के अंदर 400x400x400 mm मेटल के EOS 3D प्रिंटर होंगे जिनकी मदद से एक ही छत के नीचे रॉकेट इंजनों का निर्माण किया जा सकेगा। और इसी को लेकर कंपनी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, और इसी पोस्ट में कहा गया है कि वो इसरो के साथ मिलकर रॉकेट इंजनों का निर्माण करेगी और भारत के लिए 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी इस्तेमाल करेगी, और सिर्फ एक मंथ के अंदर ही इसरो के लिए 8 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना के दे देगी। क्योंकि दुनिया भर के देशों में जिस रॉकेट इंजन से सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है वो रॉकेट इंजन काफी भारी भरकम होते हैं, और उनको बनाने में काफी पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि दुनिया भर की जो भी कंपनियां सैटेलाइट लॉन्च करती हैं उनके पास रूस से रॉकेट मंगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए अब दुनिया भर की कंपनियों की नज़र भारत के 3D प्रिंटेड रॉकेट पर है, क्योंकि भारत का 3D प्रिंटेड रॉकेट काफी सस्ता और हल्का है जो किसी भी सैटेलाइट को आसानी से उसकी कक्षा तक भेज देगा। क्योंकि इसरो का ये अग्निवान एक टू स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो अपने साथ 100 किलो तक का पेलोड 700 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जा सकता है और उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकता है। तो इसरो की इस कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।